Hello viewers, welcome to my channel. In this video I am going to solve Chapter 12 exercise 12.3 question number 2. Chapter name is area related to circle. Question which is given, find the area of the shaded region in figure. ये हमें figure question में already given है और इस figure में ये जो shaded region है इसका हमें area find कर. If radii of two concentric circle with center O are 7 cm and 14 cm respectively and angle AOC equal to 40 degrees. इसमें बोला जा रहा है कि ये दो सर्कल जो है वो कंसेंट्रिक है, मतलब जब हम एक ही सेंटर से रेडियस अलग अलग ले करके दो सर्कल ड्रॉ करते हैं तब उसे कंसेंट्रिक सर्कल कहा जाता है. तो ये जो छोटे वाले सर्कल है इसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर और बड़े वाले जो सर्कल है उसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर. तो हमें इस शेडेड रीजन का हम एरिया फाइंड करना है. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करना है कि सबसे पहले ये क्या है, यहाँ से जब हम देखते हैं तो ये हमें एक सेक्टर दिखाई दे रहा है ना, ये एक सेक्टर है. अब इस सेक्टर मतलब ये हो गया हमारा, ये अगर ये बोले तो बड़ा वाले सर्कल का सेक्टर हो गया और ये हमारा हो गया छोटा वाला एरिया सर्कल का सेक्टर. तब हम क्या करते हैं कि बड़े वाले सर्कल का सेक्टर को फाइंड करने के बाद छोटे वाले सेक्टर का भी जो सेक्टर का एरिया होगा उसे लेस कर देंगे तो इस रीजन का हमें एरिया मिल जाएगा. तो लेट कर लेते हैं, लेट कर लेंगे कि रेडियस जो बड़े वाले सर्कल है आउटर सर्कल का आर मतलब कैपिटल आर ले देते हैं और इसका स्मॉल आर ले लेते हैं. लेट रेडियस ऑफ आउटर सर्कल है ना, उसे आउटर सर्कल मैंने बोला जिसे आर से इंडिकेट किया इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इनर सर्कल जिसे स्मॉल आर से 7 सेंटीमीटर. ओके, देन उसके बाद क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, इसमें क्या होगा कि एरिया ऑफ आउटर सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ इनर सेक्टर, एरिया ऑफ आउटर सर्कल सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ इनर सर्कल्स सेक्टर. ओके, फार्मूला क्या होता है सेक्टर का, तो थीटा अपॉन में 360 एंड पाई आर स्क्वायर. तो आउटर वाला का हमने ये वाली आर लिया है तो पाई आर स्क्वायर माइनस में थीटा अपॉन में 360 एंड पाई आर स्क्वायर. थीटा दोनों का थीटा क्या है, सेम ही है, 40 डिग्री है, 40 डिग्री अपॉन में 360 मैं पहले आगे कर दूं, यहाँ पे 22 अपॉन हाफ क्योंकि कोई भी मेजरमेंट वैल्यू नहीं गिवेन है एंड मल्टीपल आर जो है वो 14 मल्टीपल 40 माइनस 40 अपॉन में 360 कॉमन लेकर के भी कर सकते थे इसकी सॉल्यूशन, इतना पार्ट को कॉमन लेकर के पाई 22 अपॉन मी 7 मल्टीपल 7 मल्टीपल 9 जा एंड 7 2 जा और इधर भी आ जाएगा और ये 9 जा, ये 7 से 7 कर सकोगे. ये जब इन सब को मल्टीपल करेंगे तब आ जाएगा 616 अपॉन में 9 एंड माइनस जब इसे मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 144 एंड अपॉन में आल्सो 9. दोनों का रेडियस 616, तो 616 माइनस 154. ओके, माइनस करने पे हमारे पास आए 462 अपॉन में 9. जब इसे कैंसिल किया तो ये आ गया 9 3 जा एंड 54. आंसर हो गया 154 अपॉन में 3 स्क्वायर सेंटीमीटर.
तो आपने देखा कि किस तरीका से सबसे पहले हमने फिगर पे कंसीडर किया, फिगर पे एक एक पॉइंट जब देखा तो हमें समझ में आ गया कि हमें किस तरीका से सॉल्यूशन करना है। अदरवाइज बाकी तो क्या है, चैप्टर का फॉर्मूला ही लगा है, बट किस ढंग से हम लगाएंगे, कैसे हम उस एरिया को फाइंड करेंगे, ये हमें माइंड में सेटअप करना बहुत जरूरी होता है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।